और चले आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना का मिसाइल लंदन पहुंचा है, युद्धपोत INS तबर लंदन पहुंच चुका है और लंदन के प्रतिष्ठित टावर ब्रिज के नीचे से गुजरने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लंदन पहुंचा भारतीय नौसेना का INS तवर और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना का INS तवर एक तलवार श्रेणी का मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट है और इसका निर्माण रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में किया गया था। साल 2004 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और करेंगे 2 मिनट में भारत का। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है, ट्वीट कर बताया, पोस्ट शेयर किया, कुश्ती से संन्यास की जानकारी दी। विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अलविदा कुश्ती, साल 2001 से 2024 के बारे में जानकारी दी और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी मांगते हुए भी नजर आए। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान और फैसला, कहा विनेश फोगाट हमारे लिए हमेशा चैंपियन हैं, पदक विजेता की तरह ही उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा, उनके प्रदर्शन पर भारत को गर्व है। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि विनेश आप हारी नहीं बल्कि आपको हराया गया। ओलंपिक में मेडल से चूकी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, ट्वीट कर लिखा मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बड़ा बयान और कहा कि मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन। थाने में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता, इलाज के दौरान बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के मेरठ में ऑर्डर क्यूलिंग का मामला सामने आया और प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन, नाराज भाई ने अपनी बहन को उतारा मौत के घाट। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ से खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश की गोंडा के जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर डाली, लोहे की रॉड और डंडों से पीटा। यूपी के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती अबर्ड चोरी हो गए, कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, चोर की काफ वक्त से पुलिस तलाश कर रही। खबरों में आगे बढ़ते थे कि बांग्लादेश में बवाल के बाद आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान जो है वो किया गया है और बांग्लादेशी सेना के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात 8 बजे शपथ लेते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, और अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगी और इसका नेतृत्व करेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुखों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आज पेरिस से लौटकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए PM के तौर पर शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में 400 मेहमान शामिल होंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमा के मुताबिक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार परिषद की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएंगे। पेरिस से ढाका रवाना होते ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं घर वापस जाने और ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और हम जिस परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं बहादुर छात्रों को देश का दूसरा विक्ट्री डे देने पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है।
देश में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुका था। छात्रों के सरकार विरोधी प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को न सिर्फ पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शेख हसीना के भारत से अब यूएई जाने की चर्चाएं हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रदर्शन की आड़ में चुन चुन कर निशाना बनाया गया, कई कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया। अवामी लीग से जुड़े कम से कम 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार विरोधी प्रदर्शन से बांग्लादेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। बांग्लादेशी एक्टर शांतु खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ के भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं जेल से रिहा होते ही बेगम खालिदा जिया ने भी बांग्लादेश में रैली को संबोधित किया और जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अस्पताल से रैली को संबोधित करते हुए खालिदा जिया ने समर्थकों से विनाश के रास्ते पर नहीं चलने का आह्वान किया। खालिदा जिया ने कहा कि आइए प्रेम, शांति और ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करें और इसमें कोई विनाश नहीं होना चाहिए, न ही बदला और प्रतिशोध। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी तरक्की के लिए हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया। 2018 के बाद से ये उनका पहला सार्वजनिक भाषण था, जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और तब से वो जेल में थी। वहीं अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। I've already spoken to the interim government in Bangladesh and what steps we want to see. As the interim government makes decisions moving forward, we want to do so. We want to see them do so in a way that respects democratic principles. ज़ाहिर है बांग्लादेश में अराजकता है। अमेरिका, पाकिस्तान और सेना की साजिशों ने वहां शेख हसीना की सरकार को बाहर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांग्लादेश कहीं अब दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। अब मोहम्मद यूनुस क्या कमाल कर पाते हैं और इनकी अर्थनीति क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल यूनुस के हाथों में कमान है और नए चुनाव कब होंगे इसका प्रगति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से खबर मिल रही कन्नौज से, जहां पर थूक से मसाज करने का ये जो मामला सामने आया था, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसी पूरे मामले को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में अब नजर आ रहा है। यूपी के कन्नौज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। थूक से मसाज कांड में एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी के अवैध सैलून पर अब बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है। थूक मसाज करने वाले के सैलून पर बुलडोजर चलाया। अवैध जगह पर आरोपी सैलून चला रहा था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ताल ग्राम नगर पंचायत प्रशासन ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज से ये खबर, जहां थूक से मसाज करने वाली वीडियो भी सामने आई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर, जहां पर ये शख्स थूक से शख्स की मसाज कर रहा था। इस वीडियो के आने के बाद कई सवाल खड़े हुए और उसके बाद एक्शन भी लिया गया है और अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर भी चला दिया है। अवैध जगह पर ये सैलून बना हुआ था, जिसके बाद ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से पंजा चलता नजर आ रहा है। सैलून पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और शिकंजा कसा गया है यूसुफ पर, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम। थूक मसाज का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, सैलून पर बुलडोजर चला और इसके अलावा शिकंजे में अब यूसुफ जो है वो आ चुका है। आरोपी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अब हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। तो यूपी से बड़ी खबर, तस्वीरें आपने देखी और अब खबरों को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज प्रगति, इसलिए क्योंकि आज लोकसभा की अगर बात करें तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश करेगी मोदी सरकार, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि जो नए संशोधन